आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जगह नेशनल हाईवे 66। रात के 9 बजे मेरी कार फुल स्पीड में आगे बढ़े जा रही थी। दरअसल मैं अपने गांव अपने घर जा रहा हूँ। असल में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और काम के चलते शहर में ही रहता हूँ। इस बार मैं अपने घर करीब 6 महीनों बाद किसी को बिना बताए ही जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे छोटे भाई मुकेश का बर्थडे है। अभी मैं कसेड़ी घाट इलाके को पार कर ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान हाईवे के सन्नाटे पर गया। वो हाईवे इतना सुनसान था कि इस हाईवे को लेकर लोगों की कही गई बातें अब मुझे सच लगने लगी थी। अभी मैं कार भगा ही रहा था कि हाईवे के किनारे जंगलों से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी ये आवाज़ किसी के रोने की होती तो कभी किसी के हंसने की। इन सभी आवाज़ों को सुनकर मैं और भी डर गया और अपनी कार की रफ्तार और भी बढ़ा दी। मगर ना चाहते हुए भी मेरी नज़र बार बार हाईवे के किनारे लगे पेड़ों पर जा ही रही थी, जहां मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी लटक रहा हो। हिम्मत जुटाकर किसी तरह से मैंने उस इलाके को पार किया और अपनी कार को हाईवे से अलग गांव जाने वाले रास्ते पर उतार लिया। तब जाकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मगर ये रास्ता एक कच्चा रास्ता था जिस पर मुझे लंबे समय तक अभी गाड़ी चलाना था। कच्चा रास्ता होने की वजह से अभी मैं धीरे धीरे कार चला ही रहा था कि तभी मेरी कार के इंजन से धुआं निकलने लगा और कार भी बंद पड़ गई। ये देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और कार से बाहर निकला। कार से बाहर निकलते ही मैंने बर्नट खोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कार को हुआ क्या है। मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। वो रास्ता इस कदर सुनसान था कि मैकेनिक तो दूर किसी इंसान का भी मिलना मुश्किल लग रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे अपने घर पर कॉल करके सभी को पूरी बात बतानी पड़ी तो मेरे पापा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं अभी गांव के मैकेनिक को लेकर तेरे पास आता हूँ। पापा को आने में करीबन आधे घंटे का वक्त लगने वाला था, इसलिए मैं कार के अंदर जाकर बैठ गया। कार के अंदर बैठे बैठे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो कोई मेरी कार की खिड़की पर नॉक कर रहा था। मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो अधेड़ उम्र का एक आदमी खड़ा था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है चाचा? और ये बोलते हुए मैं गाड़ी से बाहर निकला, जिस पर उस आदमी ने कहा, आप गाड़ी का बर्नट खोलिए, मैं देखता हूँ क्या बात है। ये सुनते ही मैंने गाड़ी का बर्नट खोल दिया, ये सोचे बगैर कि इसे पता कैसे चल गया कि मेरी गाड़ी बंद हो गई है। थोड़ी देर इधर उधर हाथ घुमाने के बाद उस आदमी ने मुझे कार स्टार्ट करने को बोला और मैंने जैसे ही चाबी घुमाई कार एकदम से स्टार्ट हो गई। कार स्टार्ट होने के बाद मैंने उस आदमी को थैंक यू बोला और उनसे पूछा, चाचा आप रहते कहाँ हैं? जिस पर उस आदमी ने बताया कि गांव के रास्ते में जो पहला घर पड़ता है वो उन्हीं का है, जिसके बाद वो आदमी अपनी साइकिल लेकर जाने लगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरे पापा भी मैकेनिक लेकर आ गए तो मैंने उनको सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद पापा ने कहा, ये क्या बोल रहा है तू? वो आदमी को मरे तो 2 महीने हो चुके हैं। पापा की ये बात मुझे हजम नहीं हुई, लिहाजन हम उसके घर गए और उस आदमी के घर पहुंचकर मैंने जो देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस घर में उसी आदमी की फ़ोटो लगी हुई थी और उस पर फूलों की माला लटक रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था
कि वो इसी आदमी की आत्मा थी। बाद में मुझे पता चला कि एक रात जब वो आदमी काम से गांव लौट रहा था तो सियारों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण मौके पर ही उस आदमी की मौत हो गई और अगली सुबह उस आदमी की आधी लाश मिली। तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।